हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने एक डेरिवेशन जो है वो हम डिराइव कर रहे थे, डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उस डेरिवेशन में हम एक इक्वेशन पर पहुंचे थे कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वी इक्वल यू प्लस ए टी। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ, वेयर वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यू, U is initial velocity, A uniform acceleration, T time elapsed between two successive collision। कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करता है तब दो पॉजिटिव आयन के बीच में जब वो कोलाइड होगा तो उन सक्सेसिव कलिजन में कितना टाइम जो है उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन देर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए कंडक्टर, सो देर विल बी डिफरेंट फाइनल वेलोसिटीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। बट to study we take a common velocity, this velocity will be average velocity, and average velocity of electron is said to be drift velocity or drift velocity। So we can define drift velocity vd। So how can you define? Dekhiye, the average velocity, the average velocity of electrons with which move towards positive end of the conductor when it is connected with an electric source। क्लियर? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद विच मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक सोर्स। जब हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स को जब किसी कंडक्टर को, सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड वी कनेक्ट दिस कंडक्टर विद ए बैटरी, सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड, this will be negative end, these are electrons, but the electrons move towards positive end of the conductor, but what is average velocity of these electrons jisse ki ye positive end ki taraf aate hain। This average velocity is known as drift velocity। Clear? So you can define average velocity according to this। Clear? Now how can you find out the drift velocity or average velocity? So we take average of equation 5। equation 5 का हम average लेंगे और वो जो average आपके पास आएगा उस average को जो है हम drift velocity कहेंगे। तो फिर taking average of equation 5, then vd equal average of v equal average of u, we take average of variable quantity this is uniform acceleration, so this is constant, so you can write simply as a, but this is average of time। So what is average of time? Time t is time elapsed between two successive collision by the electron, but average of t is said to be relaxation time। So what is the relaxation time? ये आपके पास में जो है relaxation जो time है या average time है, इसे हम जो है ये average time को ही हम relaxation time कहते हैं, but this is we can write as v d equal u average u
एवरेज यू प्लस ए एवरेज ऑफ टी, दिस इज इक्वेशन सिक्स. यू कैन पुट वैल्यू ऑफ एवरेज यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय यूजिंग इक्वेशन फोर वैल्यू ऑफ ए वेक्टर. सो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट फोर एंड फर्स्ट फोर एंड सिक्स्थ सिक्स्थ, तो व्हाट इज द रिजल्ट? वीडी इक्वल एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज इज जीरो, वैल्यू ऑफ ए माइनस ई वेक्टर अपॉन में एम इनटू में टो, क्लियर? वेहर टो इक्वल, दिस इज टो रिलैक्सेशन टाइम एवरेज ऑफ टाइम. तो एवरेज ऑफ टाइम इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ये टो रख दिया. तो व्हाट इज फाइनल रिजल्ट? वी डी इक्वल माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इनटू मी टो, दिस इज इक्वेशन 7. वेयर टो इज रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम. टो एवरेज टाइम, एवरेज टाइम. नाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो कैसे लिखोगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में? वी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म वी डी इक्वल ई अपॉन में एम इंटू में टो, वेक्टर हटा देंगे. दिस इज इक्वेशन 8 एंड वी डी प्रोपोर्शनल ई. ये हमारे पास में रिजल्ट आया कि वी डी किसके प्रोपोर्शनल है? ई के प्रोपोर्शनल है. दिस इज इक्वेशन 9, दिस इज इक्वेशन 8 और ये हमारे पास में वी डी प्रोपोर्शनल ई. तो इस तरीके से हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब यहां से वी डी जो है, ई और एम तो कांस्टेंट है, लेकिन कैपिटल ई और जो टो है इनके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी. किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन किस पे? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. तो हाउ कैन यू डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम? तो रिलैक्सेशन टाइम को भी डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले का जो है हम, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विद रेस्पेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिखेंगे. तो देखिए क्या आता है आगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टाइम टो या एवरेज टाइम. रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम टो क्या? तो रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम विद विच द टाइम इलेप्स्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कलिजन इन द कंडक्टर. द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज दैट एवरेज टाइम विद विच टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन्स, टेकन बाई द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर
taken by the electrons in conductor between two consecutive collision बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन। ये हमारे पास में पॉजिटिव आयन है किसी कंडक्टर के, और ये हैं जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो फिर यहाँ जो है कुछ टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से, ये पॉजिटिव आयन वाइब्रेशन में होंगे, और वाइब्रेशन में होंगे तो इनके पाथ में जो है ये जो है पॉजिटिव आयन आएंगे वाइब्रेशन की वजह से, तो इनसे इनकी कॉलिजन होगी। तो बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना एवरेज टाइम लेता है, उस एवरेज टाइम को ही हम रिलैक्सेशन टाइम टॉ कहते हैं। तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके पास में हो गया रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, और वाइब्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ये टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर ये और साथ ही साथ ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, ये उनकी डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पर और नेचर पर। तो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स नेचर और क्या बताया मैंने, टेम्परेचर। तो अगले वाली बात आप ये लिख सकते हैं, तो वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। Now we take next article. अब हम जो है वो next article ले रहे हैं, वो इसी से related है, drift velocity के formula से related है, और वो है हमारे पास mobility। तो इसे आपने note कर लिया होगा। तो next is mobility। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बेसिक आइडिया लेते हैं क्या है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल यू कैन राइट ee अपॉन m इनटू में टो, बट इफ v शिफ्ट कैपिटल e इसके नीचे vd के नीचे vd अपॉन e या v डिवाइड बोथ साइड्स बाय कैपिटल e, देन देयर विल बी e टो अपॉन m, और दिस रेशियो इज सेड टू बी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक सोर्स। तो उस केस में हमें जो है म्यू किस किस का रेशियो है, बी डी और ई का। तो मैं इसी को लेकर के यहां पर इसको डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखिए मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E when the ends of conductor are connected with
एन इलेक्ट्रिक सोर्स। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई व्हेन द एंड्स ऑफ कंडक्टर आर कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक सोर्स। सो यू कैन राइट एस, कैसे लिखेंगे हम, ये आइडिया यहां से मिली है। तो म्यू इक्वल वीडी अपॉन ई, दिस इज इक्वल टू ई टो बाई एम, वीडी अपॉन ई और ई टो बाई एम, ये हमारे पास में जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम देखें कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए म्यू प्रोपोर्शनल किस पर रहेगा, वीडी के लिए, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई म्यू प्रोपोर्शनल वीडी फॉर टू मेटल्स फॉर सेम ई के लिए क्या लिख सकते हैं, म्यू वन अपॉन म्यू टू दिस इज इक्वल टू वी डी वन अपॉन मी वी डी टू, ठीक है। यह हमारे पास में जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि डिपेंडेंसी आ जाएगी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो हम म्यू को जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही ज्यादा उसकी मोबिलिटी होगी। तो म्यू किस पर डिपेंड करती है, वी डी पे डिपेंड करती है। अब इधर हम देखें तो म्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, क्योंकि टो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और नेचर पे। तो म्यू किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे और टेम्परेचर पर। तो फिर यहां आपके पास में जो है ये म्यू की डिपेंडेंसी आ जाती है। नेक्स्ट यहां हम लिखते हैं या एस आई यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ म्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। सो वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर पर वोल्ट, इसको हमने उलट दिया, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो फिर ऐसा यूनिट क्या बनी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। वोल्ट भी ऊपर चला जाएगा, सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से हम इसकी यूनिट को बना सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए डायमेंशन फॉर्मूले के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में यूनिट लिखी है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो पहले हम एक बार यहां मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर है तो लेंथ दो बार आ रही है, वोल्ट है तो जूल पर कूलाम, कूलाम कहां चला गया, ऊपर, तो ये क्या था मीटर स्क्वायर, और वोल्टेज को मैंने क्या लिख दिया, वोल्टेज को लिख दिया जूल पर कूलाम, और सेकेंड का मैंने लिख दिया सेकेंड। चलिए मीटर स्क्वायर लेंथ टू टाइम्स कूलाम एटी अपॉन जूल एम वन एल टू टी माइनस टू टाइम एक बार, टाइम से टाइम क्या हो गया कैंसिल, एल टू क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया एम माइनस वन ऊपर जाएगा तो, और एल बचा नहीं जीरो, टी टू और ए ऊपर ही है वन। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी। तो यदि आपको यूनिट ध्यान है तो यूनिट देखिए किस तरीके से बनाई थी मैंने, वो यूनिट मैंने यहां लिख दी, इसी यूनिट से मैंने जो है डायमेंशनल फार्मूला बनाया। तो क्या लिखूं मैं यहां पर, एम माइनस वन एल जीरो टी टू ए वन, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी, क्लियर। तो फिर अब आप इन्हें जो है वो नोट कर सकते हैं, मोबिलिटी से के लेसन में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दी कि म्यू किस पर डिपेंड करेगा, एक तो वीडी पर, म्यू डिपेंड करेगा नेचर और टेम्परेचर पर,
दूसरी बात उसकी एसआई यूनिट ऐसे लिखी जाएगी, तीसरी बात उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, और मोबिलिटी का मतलब कितनी किस हद तक कोई चार्ज कैरियर किसी कंडक्टर के अंदर मूवमेंट करता है उसको हम मेजर करने की क्वांटिटी जो है वो आपके पास में क्या कहलाती है, वो मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया है, तो हम एक और दूसरे वाले आर्टिकल पर आते हैं। तो देखिए अगले वाला आर्टिकल हमारे पास में क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो राइट डाउन नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वी इनके बीच में एक रिलेशन हमें चाहिए। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन था वो एक रिलेशन था किस किस के बीच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में था, वीडी प्रोपोर्शनल ई आया था जो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करवाया, और यहां हमें वीडी और वी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। कैसे करेंगे, वी कंसीडर देयर इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, क्लियर। द एंड ऑफ दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, इसे हम किससे कनेक्ट करते हैं, इसे वी वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस, क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मूव किधर करेंगे, किसका पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। तो फिर एक बात और भी है, यदि हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, और यदि हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यदि पॉजिटिव चार्ज में यहां ले लूं तो पॉजिटिव चार्ज का जो मोमेंट होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। तो फिर यहां से हम ये देखें कि वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स VD इक्वल EE अपॉन M इंटू मी टू, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टो रिलैक्सेशन टाइम, तो वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स vd हम इस तरीके से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये आपने जो है वो डेरिवेशन किया भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब हम इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है,
क्यों? इसको हमने वी वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। तो फिर उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रख सकते हैं? यदि हम उसके पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। बट हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल वी अपॉन एल। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड देन व्हाट विल बी रिजल्ट? वीडी इक्वल ई बाई एम इंटू वैल्यू ऑफ ई वी बाई एल और इंटू टू। तो देन वी कैन राइट वीडी इक्वल ई वी टो बाई एल एम। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो अब हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिला कि ऐसा भी होता है वीडी प्रोपोर्शनल वी। यदि हम किसी कंडक्टर के एंड के ऊपर ज्यादा वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही वो तेजी से जो है उसके अंदर वो मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले वाले डेरिवेशन में तो वीडी प्रोपोर्शनल किसके आया था? वीडी प्रोपोर्शनल ई के आया था। फिर अगले वाले केस में हमने मोबिलिटी के बारे में पढ़ा जो वीडी से ही कनेक्टेड थी। अगले वाला जो आर्टिकल है उसमें भी हमने वीडी से ही रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा कि वीडी और वी में क्या रिलेशन होता है। तो इस तरीके से जो है ये आपके पास में तीन रिलेशन हो जाते हैं। और जो है इससे नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो करंट होती है उसके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो फिर वो एक एक्सप्रेशन होगा, वो एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।